नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट पर। दोस्तों, आप सभी के मोबाइल में गूगल मैप है। अगर मैं आपसे ये कहूँ गूगल मैप के जरिए किसी के भी पोल खोल सकते हो, उसके एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो, आप कौन से कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हो, एंड्रॉयड या फिर नहीं है, ज़रूर से आप मोबाइल में गूगल मैप यूज़ करते होंगे। और मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से गूगल मैप के जरिए किसी के भी पोल खोल सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता कर सकते हो। लेकिन उससे पहले गूगल मैप की बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल 3 ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको नंबर 4 ट्रिक में बताऊंगा किस तरीके से गूगल मैप के जरिए किसी के भी पोल खोल पाओगे। और दोस्तों, ये सिर्फ गूगल मैप की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है, कोई हैकिंग वीडियो नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो किस तरीके से गूगल मैप के जरिए किसी के भी पोल खोल पाओगे, इसके लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए, ज़्यादा टाइम ना देते वीडियो को हम बड़ा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, गूगल मैप्स ट्रिक्स। दोस्तों, ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से गूगल मैप के जरिए किसी के भी पोल खोल सकते हो, उसके एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाओगे। लेकिन ये नंबर 4 ट्रिक में बताऊंगा, उससे पहले गूगल मैप्स की बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल और 3 ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी को ज़रूर से पता होना ही चाहिए। और नंबर 4 ट्रिक में बताऊंगा किस तरीके से आप किसी के भी पोल खोल सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाओगे। और ये कोई हैकिंग वीडियो नहीं है, सिर्फ गूगल मैप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है। और ये सारे सेटिंग्स गूगल मैप के अंदर दिया गया है जो आप सभी को पता नहीं है। पहला ट्रिक, जब भी गूगल मैप ओपन करके आप किसी भी लोकेशन पे ट्रैवल करते हो, मैं यहाँ पर डेली ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर डायरेक्शन पे क्लिक करते हो, डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप नेविगेशन स्टार्ट करते हो। आपको जहाँ पर भी जाना है, जिस भी लोकेशन पर जाना है, यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पर गूगल मैप आपको बोल कर बताता है आपको लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, कहाँ पर आपको मुड़ना है, कहाँ पर नहीं मुड़ना है, आपको ये बोल कर बताता है। अगर आप उसी टाइम ब्लूटूथ लगाकर गाने सुन रहे हो या फिर कॉल पर किसी से बातें कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर गूगल मैप आपको बोल कर बताता है आपको कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ पर नहीं मुड़ना है, लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, पीछे आगे ये बोल कर बताता है। सो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है कॉल के दौरान, और अगर आप गाने भी सुन रहे हो ब्लूटूथ लगा के, ऐसे में ये बीच में बोलता है, सो डिस्टर्बेंस होता है। सो यहाँ से आपको बैक करना है, यहाँ से बैक करने के बाद आपको एक सेटिंग करना होगा। यहाँ से बैक कीजिए और ऊपर देखिए प्रोफाइल फोटो है, और ये प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे आइए और नीचे देखिए ऑप्शन है नेविगेशन सेटिंग्स, नेविगेशन सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्ले वॉइस ओवर ब्लूटूथ, इसे ऑफ कर दीजिए। प्ले वॉइस ओवर ब्लूटूथ अगर आप इसे ऑफ कर लोगे, जब भी आप किसी भी लोकेशन पर ट्रैवल करोगे और उसी टाइम अगर आप ब्लूटूथ लगा के गाने सुन रहे हो, ये नहीं बोलेगा, क्योंकि आप लोकेशन तो यहाँ पर देख रहे हो ना, आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, लेफ्ट राइट यहाँ पर आपको ये बता रहा है। सो ये देखकर आप ट्रैवल कर सकते हो और आपका डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। और नीचे देखिए और एक ऑप्शन है प्ले वॉइस ड्यूरिंग फोन कॉल्स, इसे भी यहाँ से ऑफ कर दीजिए, ताकि कॉल के दौरान भी ये आपको ना बोल कर बताए आपको किस तरीके से मुड़ना है, कहाँ पर जाना है। सो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ से ऑफ कर दीजिए। फिर आप जब भी गूगल मैप ओपन करके किसी भी लोकेशन पे ट्रैवल करोगे, ये आपको बोल कर नहीं बताएगा भाई तुझे किस तरीके से जाना है, लेफ्ट जाना है, नहीं जाना है, मुड़ना है, आपको बोल कर नहीं बताएगा। अगर आपने अगर आपके पास किसी ने कॉल किया होगा या फिर आपने किसी के पास कॉल किया होगा, दोनों के बीच जो बातचीत हो रहा होगा वो क्लियर रहेगा, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो ये था पहला ट्रिक। अभी बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक। दोस्तों, बहुत अल्टीमेट ट्रिक है, जब भी आप गूगल मैप में किसी भी लोकेशन पर ट्रैवल करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, एक लोकेशन पे, जैसे कि यहाँ पर रानी बाग, ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन पे क्लिक किया, डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ पर मैं ये स्टार्ट करूँगा, देखिए यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये बोल कर बताएगा किस तरीके से जाना है, कहीं पर जाना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया आपको किस तरीके से उसे ऑफ करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ये इंग्लिश में बोलता है आपको लेफ्ट जाना है, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, तो ये इंग्लिश में बोल कर बताता है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है और आप इसे यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक कीजिए प्रोफाइल फ़ोटो पे, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे आइए, उसी सेटिंग के अंदर आना है नेविगेशन सेटिंग्स, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ऊपर देखिए ऑप्शन है वॉइस सिलेक्शन, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर ये एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, हिंदी सिलेक्ट कीजिए।
अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिलेंगे, तो यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद जब भी आप किसी भी लोकेशन पे ट्रैवल करोगे, यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पर डेली ट्रैवल कर रहा हूँ, डायरेक्शन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किया, और अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर वॉइस भी सुना देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे लेफ्ट या फिर राइट टर्न आएगा, जैसे कि आपने सुना दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ें या पश्चिम की ओर बढ़ें, आपको आगे जाना है, या आपको इस तरीके से यहाँ पर ये हिंदी में बताएगा, ठीक है, जैसा कि आपने सुना। सो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना जिस भी लैंग्वेज में आपको यहाँ से सुनना है, ठीक है। तो ये था सेकेंड ट्रिक, अभी बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक। दोस्तों अगर मान के चले अगर आप किसी हिल स्टेशन में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी हिल स्टेशन में जा रहे हो या फिर कोई ऐसे लोकेशन पर जा रहे हो, आपको लग रहा है वहाँ पर मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ सकता है, इंटरनेट नहीं चलेगा, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो बिना इंटरनेट के गूगल मैप को कैसे यूज़ करोगे? तो हो सकता है वहाँ से आपको दिक्कत हो, किस तरीके से आप उस लोकेशन पे पहुँचोगे या फिर उस लोकेशन से अपने डेस्टिनेशन पे आओगे। सो यहाँ से आपको ये प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है ऑफलाइन मैप्स, ऑफलाइन मैप्स के ऊपर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट योर ऑन मैप। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले से मैंने यहाँ पर दो मैप सिलेक्ट करके रखा है। अगर मैं किसी भी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, सो मैं पहले से यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स कर लेता हूँ, तो आपको भी ये सेटिंग कर लेना ताकि आप किसी भी मुसीबत में प्रॉब्लम में ना हो। सिलेक्ट योर ऑन मैप, यहाँ पर बस क्लिक कीजिए, पर देखिए पूरा कंट्री आ गया है, तो यहाँ से जहाँ पर भी जाना है क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा प्रयागराज से मिर्ज़ापुर, और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है डाउनलोड, डाउनलोड के ऊपर बस क्लिक कीजिए। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड होगा, फिर आप इसे ऑफलाइन जा सकते हो उस लोकेशन पे इसे ओपन करके, और आपको यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑफलाइन गूगल मैप को यूज़ करके किसी भी लोकेशन पे जा सकते हो, जहाँ पर भी आपको जाना है और लग रहा है आपको वहाँ पर नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, पहले से यहाँ पर ये सेटिंग करके अगर आप रख लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था नंबर चार ट्रिक, जिससे आप किसी के भी पोल खोल सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स कोई भी हो, ठीक है, और आपसे ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ गया था वहाँ गया था, और आपको लग रहा है ये मुझसे झूठ बोल रहा है। अगर आपके बच्चे या फिर गर्लफ्रेंड आपको यहाँ गया था वहाँ गया था आपको ये बोल रहे हैं और आपको लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, उनकी झूठ को आप पकड़ सकते हो। कैसे पकड़ना है? उनके फ़ोन को अपने हाथ में लेने के बाद प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, योर टाइमलाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है, बस कुछ सेकंड के लिए उनका फ़ोन आपको हाथ में लेना है, ठीक है, और यहाँ पर ये सारा डिटेल्स आ जाएगा, वो कहाँ पर गए थे, जैसे कि ये टुडे डिटेल्स से, और ऊपर देखिए ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा इस महीने 6 तारीख को मैं कहाँ गया था, सो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ गया था, पूरा यहाँ पर डिटेल्स आएगा, कितने बजे कितना किलोमीटर, यहाँ पर ये टाइम वगैरह डिटेल्स दिया गया है। सो यहाँ पर बहुत दिनों का आपको डेटा मिलेगा, देखिए बहुत दिनों का डेटा है। अगर मैं यहाँ से मार्च कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए मार्च कब का है, 4 महीने 5 महीने पहले का। अगर मैं यहाँ पर इसे 3 तारीख सिलेक्ट करता हूँ, और 3 तारीख देखिए मैं मंदिर गया था यहाँ पर, देखिए वैसे मंदिर नहीं गया जाता हूँ, किसी को छोड़ने गया था शायद, तो यहाँ पर देखिए मंदिर। तो इस तरीके से आप किसी के भी पोल खोल सकते हो। अगर वो आपसे झूठ बोलता है कि मैं यहाँ गया था वहाँ गया था, लेकिन यहाँ पर झूठ नहीं बोल पाएगा, उसका झूठ पकड़ा जाएगा, यहाँ पर टाइम के साथ देखने को मिलेगा वो कैसे कहाँ पर गया था, बाइक में गया था या फिर चलते हुए गया था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे कि यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ 6 तारीख सिलेक्ट किया, और देखिए किस तरीके से मैं गया था, देखिए बाइक से गया था, और ये डिटेल्स। तो इस तरीके से आप किसी के भी पोल खोल सकते हो। आपको लग रहा होगा ये छोटा सा सेटिंग है, छोटा सा ट्रिक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ये करेंगे ना, बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद होगा नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।